So we today we'll be learning about the what is end correction, what happens, you know, in a resonance tube and all regarding that. Okay, so first of all, we need to understand that when there is a tube, let's suppose when there is a tube, you know, there can be two kinds of tubes. This is an open, both ends open organ tube, and this is a closed organ tube. जिसमें एक एंड क्लोज्ड है, ओके, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग मान लो जो वेव्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो जो वेव्स बनते हैं वो वेव्स क्या होता है, वी जनरली हम लोग जो वेव्स बनाते हैं एक ओपन और एक क्लोज्ड, हम यहाँ पे बीच से डिवाइड कर रहे हैं बीच को, ठीक है. जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग वेव बनाते हैं ना, तो हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं. अगर यहाँ पर एंटी नोड बनता है, इस पॉइंट पे एंटी नोड बनता है ना, हम लोग को तो पता है इस पॉइंट पे एंटी नोड बनता है. तो जब हम बनाते हैं तो हम लोग ऐसा कुछ करा ये बनाते हैं वेव को, है ना, ऐसा कुछ हम लोग का वेव बनाने का हैबिट है. यहाँ से वेव का एंटी नोड है, ये नोड हुआ, ये फिर एंटी नोड हुआ, फिर नीचे जितना लेंथ है उतना हिसाब से कंटिन्यू होते जाता है. तो अब यहाँ पर हम लोग को सोचने वाला बात यह है कि ये हो गया क्या कंडीशन, ये हो गया एक आइडियल कंडीशन, ठीक है. अब एक कंडीशन ऐसा आता है, जब कंडीशन का बात नहीं है, बात है एंड करेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं जब, तब क्या होता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ रियल सिनेरियो, व्हाट हैपेंस इज कि ये वेव जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर से होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से होता है. कोई अगर रीज़न पूछे तो रीज़न होता है ड्यू टू फाइनाइट मोमेंटम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गन पाइप, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस नॉट एग्जैक्टली एट द ओपन एंड बट समवॉट अबव इट. हेंस एंटीनोड इज नॉट फॉर्मड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, रादर इट इज़ फॉर्मड एट अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओपन एंड आउटसाइड इट. मतलब थोड़ा सा ऊपर बनता है एंटीनोड, यहाँ पर बनता है एक्चुअल में एंटीनोड, ठीक है. और ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को ई बोलते हैं या एंड करेक्शन बोलते हैं, ठीक है. अब अगर ओपन ऑर्गन पाइप है और ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ अगर मान लो हम अगर लेंथ ऑफ द टोटल मतलब वाइज से इफेक्टिव लेंथ का अगर बात करें एक ओपन ऑर्गन पाइप का तो ऑर्गन पाइप का लेंथ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर तक वेव है, मतलब अगर हम लोग इस ऑर्गन पाइप का बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मान लो अगर वेव है, मान लो कि यहाँ पॉइंट तक वेव है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हुआ, ये इस ऑर्गन पाइप का इफेक्टिव लेंथ. अब अगर ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो इस इधर साइड भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, बीच में कितना भी वेव्स होगा, यहाँ पर जब एंडिंग हो रहा होगा, यहाँ पर जब एंटीनोड बना होगा, तो फिर से यहाँ पर भी ऐसे ही टाइप का बना होगा, यहाँ पर भी ई डिस्टेंस का एंड करेक्शन आया होगा. तो एल अगर लेंथ है ऑर्गन पाइप का, मतलब फिजिकल लेंथ जितना कि ऑर्गन पाइप का लेंथ हमको दिख रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, L प्लस ई प्लस ई, यानी L प्लस टू ई इन एन ओपन ऑर्गन पाइप. ये हुआ इन एन ओपन ऑर्गन पाइप. और इन क्लोज ऑर्गन पाइप तो बस एक एंड ओपन है, तो नीचे तो एंड करेक्शन आएगा नहीं, ऊपर ही जो आएगा. तो ओपन ऑर्गन पाइप एंड करेक्शन के बाद जो इफेक्टिव लेंथ आएगा वो आएगा L प्लस ई, ठीक है. और ये E का वैल्यू दोनों केस में क्या होता है, 0.6 टाइम्स R के बराबर. और ये R क्या होता है, R इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द पाइप, ओके. दिस इज व्हाट एंड करेक्शन मींस. अब एक जगह इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है रेजोनेंस ट्यूब में, ओके. रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली रेजोनेंस ट्यूब मेथड क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रेजोनेंस ट्यूब मेथड हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी. कैसे करते हैं ये पूरा मेथड, कैसे होता है, देखो क्या करते हैं हम लोग एक रेजोनेंस ट्यूब को लेते हैं, ठीक है. उसके अंदर हम लोग कुछ लेंथ तक वाटर भर देते हैं, ठीक है. कुछ लेंथ तक वाटर भर दिए हम, तो जहाँ पे वाटर है वहाँ तो वेव आएगा नहीं, ठीक है, इतना तो श्योर है. वेव एयर का कॉलम जहाँ तक है वहीं तक वेव आएगा, ठीक है. तो मेरे को आप मान लो अगर हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि मेरा फर्स्ट, हम यहाँ पर जो है हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके इसके पास लाते हैं
और चेक करते हैं कि पहला रेजोनेंस कब मिला और सेकंड रेजोनेंस कब मिला। ठीक है, पहला रेजोनेंस कब मिला और सेकंड रेजोनेंस कब मिला। तो पहला बेसिकली हम लोग लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को वेरी करते जाते हैं। क्या होता है, देखो सबसे पहले हम इतना ही लेंथ, सबसे पहले हम क्या किए, हम पानी को मान लो यहाँ तक भरे और हम एक ट्यूब को लाए, ए ट्यूनिंग फोर्क को, और वाइब्रेट करवाया जब यहाँ पे कॉलम को, तो हमको एक लेंथ के लिए, इतना लेंथ के लिए हमको मान लो कि L1 लेंथ के लिए हमको मिल गया रेजोनेंस। ठीक है, इसमें हमको रेजोनेंस मिल गया। अब दूसरा बार हम थोड़ा सा इस लिक्विड को नीचे कर दिए, थोड़ा सा और नीचे ले गए, यानी हम कॉलम का, एयर कॉलम का लेंथ बढ़ा दिए। एयर कॉलम का लेंथ बढ़ गया तो वापस से फिर ट्यूनिंग फोर्क को लाए और फिर से रेजोनेंस कराए, तो अब इस बार L2 लेंथ पे हमको मिला रेजोनेंस। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस। देखो यहाँ पे भी लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज़ वेरीड अंटिल इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, देन द कॉलम रेजोनेट्स एंड एमिट्स अ लाउड नोट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को हम उसके पास लाते हैं माउथ के, एयर कॉलम वाइब्रेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क से, जैसे ही लेंथ ऑफ द एयर कॉलम जो है वो वेरी करते करते नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, तब क्या होता है कॉलम रेजोनेट करता है। और उसके बाद हम फिर से वॉल्यूम, देखो यहाँ पे यहाँ तक पहली बार पानी था, अगले बार फिर थोड़ा सा घटा दिया, यहाँ पर तक कर दिया। तो पहला बार क्या हुआ था, फर्स्ट रेजोनेंस जो मेरा हुआ तो मेरा वेव ऐसा कुछ बना था। ठीक है, सेकंड रेजोनेंस में मेरा क्या हुआ, एक यहाँ ये वाला पार्ट तो वैसे का वैसा ही है, ये पार्ट एक आ गया है, यू कैन अंडरस्टैंड, एक वेव पूरा कंप्लीट, एक वेव जो सेकंड रेजोनेंस में जब बना तो मेरा ये ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना। देखो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, वन वेव इज़ गेटिंग एडेड, अंडरस्टैंड। तो अब क्या हुआ, अब हम क्या बोलें, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप कितना है, L1 plus E किसके बराबर होना चाहिए, वेव को देखो और वेवलेंथ के टर्म्स में बताओ, क्या इतना दूर लैम्डा बाई फोर होता है। एक वेव का अगर हम बात करें, एक वेव पूरा कितना होता है, एक वेव यहाँ से यहाँ तक होता है। तो क्या ये जो हम लोग डायग्राम अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जो बना हुआ है, ये क्या 1/4 नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को एनालाइज करो पेज को पलट के, क्या यही चीज़ नहीं बना हुआ है वहाँ पे, ये चीज़ बना हुआ है ना। तो ये डिस्टेंस कितना, अगर ये पूरा लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 2 है और यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 4 है। तो L1 plus E हमको क्या दिया, लैम्डा बाई 4 दिया, पहला केस, पहला रेजोनेंस। अब L2 जब सेकंड रेजोनेंस हुआ तो L2 plus E आया होगा अब इफेक्टिव लेंथ, और इस बार मेरा वेव लेंथ कितना है टोटल, देखो इतना दूर क्या है, ये पार्ट क्या है, ये इतना दूर क्या है, लैम्डा बाई 2 है। ध्यान से देखो, ये यही पार्ट बना हुआ है ना वहाँ पे, इतना दूर में वही पार्ट बना हुआ है और ऊपर में तो लैम्डा बाई 4 है ही, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना देगा, 3 लैम्डा बाई 4 देगा। तो L2 प्लस E इस बार 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा। अब L1 प्लस E हमको पता है, L2 प्लस E हमको पता है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को एक दूसरे से, तो L2 माइनस L1 मेरे को लैम्डा बाई 2 दे देगा, E कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा L2 माइनस L1 अगर लैम्डा बाई 2 हो गया तो मेरा लैम्डा कितना हो गया, 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो इससे मेरा क्या आ गया, लैम्डा मेरा आ गया। ठीक है, अब मेरा लैम्डा तो मेरे को पता चल गया। अब मेरे को पता है कि स्पीड ऑफ साउंड का हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड कैन बी रिटन एज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमको दिया रहेगा, जो भी सोर्स है, सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड, फ्रीक्वेंसी तो हमको पता है, हम खाली लैम्डा जो हम निकाले हैं उसको हम पुट कर देंगे यहाँ लैम्डा की जगह, तो वी आ जाएगा 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू L2 माइनस L1। तो ये आ गया मेरा स्पीड ऑफ साउंड निकल गया मेरा इससे, एट रूम टेम्परेचर मेरा टाइम, मेरे को दिस इज़ द रेजोनेंस ट्यूब मेथड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। नाउ एक और चीज़ ध्यान रखने का बात है यहाँ पे, कि जो सेकंड रेजोनेंस और फर्स्ट रेजोनेंस में जो लेंथ आता है, तो सेकंड रेजोनेंस में हम लोग बोलते हैं L2 प्लस E आया और फर्स्ट रेजोनेंस में L1 प्लस E आया, तो L2 प्लस E बाई L1 प्लस E का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है 3 के बराबर।
तो कभी अगर ऐसा हो कि तुमको सेकंड रेजोनेंस का तुमको लेंथ नहीं पता है, एंड करेक्शन पता है बट, तो सेकंड रेजोनेंस का लेंथ यहाँ से निकाला जा सकता है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये सेकंड रेजोनेंस इज ऑब्टेंड एट लेंथ मोर देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेजोनेंस। मतलब तुमको यहाँ पर से देख के पता चल रहा होगा कि L2 plus E इज एक्चुअली 3 times L1 plus E। तो 3 times अप्रॉक्सीमेटली है सेकेंड रेजोनेंस का जो लेंथ होता है वो 3 times द फर्स्ट रेजोनेंस के बराबर होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो वाइब्रेशन इन अ रेजोनेंस ट्यूब एंड एयर कॉलम। ओके या ओके, सो आई गेस वी आर डन विद दिस पार्ट ओवर हियर।